चलिए एक और सम करते हैं कन्वर्जन चैप्टर का, और बहुत ही फटाफट हो जाएगा क्योंकि हम ऐसे सम बहुत कर चुके हैं। अगर आपने मेरे पिछले 4 वीडियोस देखे हैं तो आपको भी ये सम बहुत इजी लगेगा, और नेक्स्ट सम से हम लोग थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे सम का। तो चलिए आज का सम स्टार्ट करते हैं। ऊर्जा, उर्वी एंड उमा आर पार्टनर्स। ऊर्जा, उर्वी और उमा 3 पार्टनर्स हैं। पी एन रेशियो दिया है 3:2:1, और ये आपको बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में अगर आप देखेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग है, मशीनरी है, डेटा है, स्टॉक है और कैश है, और लायबिलिटी साइड पे कैपिटल दिया हुआ है और क्रेडिटर्स है और लोन है। आगे द कंपनी हैज टेकन द फॉलोइंग एसेट्स एट गिवन प्राइसेस, ये सब दिया हुआ है कि लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी लेके गई है, मशीनरी लेके गई है, डेटर्स लेके गई है, स्टॉक लेके गई है, गुडविल भी लेके गई है। द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड द लोन, क्या कंपनी ने क्या लोन लेके नहीं गई है लायबिलिटी साइड पे, बट अग्री टू पे क्रेडिटर्स, लेकिन क्रेडिटर्स लेके गई है। कंपनी हैज नॉट टेकन ओवर कैश, और कैश भी कंपनी लेके नहीं गई है, मतलब एसेट साइड में कैश लेके नहीं गई और लायबिलिटी साइड पे लोन लेके नहीं गई है। तो सारे जब एसेट्स प्लस करेंगे तो हम लोग कैश को प्लस नहीं करेंगे, और लायबिलिटीज जब माइनस करेंगे तब लोन को माइनस नहीं करेंगे। इजी है, बाकी जिसकी न्यू वैल्यू दी है न्यू वैल्यू ले लेंगे, और अगर न्यू वैल्यू नहीं दी है तो हम लोग बुक वैल्यू ले लेंगे। द कंपनी इशूड इक्विटी शेयर्स वर्थ ₹30,000, ऑलरेडी रुपीज में ही दे रखा है, मतलब ₹30,000 के इक्विटी शेयर्स दिए, दैट इज एक शेयर ₹10 का है, तो इसका मतलब 3,000 शेयर्स है, एक शेयर ₹10 का है, तो ऑलरेडी ₹30,000 दे दिया है, एंड रिमेनिंग अमाउंट इन कैश, और बाकी का बचा हुआ कैश देना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम हमको पता ही है, नेट एसेट निकालना पड़ेगा। नेट एसेट में हम लोग सारे एसेट्स को प्लस करेंगे और लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे। एसेट्स जब प्लस करेंगे तो कैश को इंक्लूड नहीं करेंगे, लायबिलिटीज जब माइनस करेंगे तो लोन को माइनस नहीं करेंगे, और जिसकी भी न्यू वैल्यू दी हुई हम लोग न्यू वैल्यू ले लेंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग ले लेंगे 24,000, मशीनरी ले लेंगे 21,000, डेटर्स ले लेंगे 17,000, स्टॉक ले लेंगे 13,000, और गुडविल भी दे रखा है 4,000। तो इन सब को ले लिया है और टोटल कर दिया तो ये आ गया 79,000। ईजी, अब इसमें से लायबिलिटीज माइनस करेंगे। लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दे रखा है 22,000, तो क्रेडिटर्स 22,000 माइनस कर दूंगा मैं। माइनस करने के बाद नेट एसेट्स आ जाएगा 57,000। हमारा एक काम हो चुका है, नेट एसेट्स निकलना जो है 57,000, और हमको पता है 57,000 क्या होगा, पीसी का टोटल भी होगा। तो मैंने बना दिया परचेज कंसिडरेशन और टोटल में लिख दिया 57,000, जिसमें से इक्विटी शेयर 30,000 के हैं, वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, एक बार वापस पढ़ लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर वर्थ ₹30,000, ऑलरेडी रुपीज में ही दे रखा है, एक शेयर ₹10 का है, मतलब 3,000 शेयर ₹10, एंड रिमेनिंग अमाउंट इन कैश, और बाकी का बचा हुआ कैश देना है। टोटल 57,000 है, जिसमें से इक्विटी आ गया ₹30,000 का, तो बचा कितना 27,000, ये आ गया कैश। बैलेंसिंग फिगर कैसे निकाला, 57,000 माइनस 30,000 माइनस कर दिया तो आ गया 27,000। इजी, हमारे दो काम हो चुके हैं, नेट एसेट भी निकल चुका है, पीसी भी निकल चुका है। अब हम लोग बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, न्यू कंपनी का अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। तो बना दिया रियलाइजेशन अकाउंट, पर्टिकुलर्स ₹, पर्टिकुलर्स ₹, उदय लिमिटेड जो नई कंपनी का नाम है वो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें 3 पार्टनर्स है, ऊर्जा, उर्वी, उमा, ऊर्जा, उर्वी, उमा, और लास्ट में कैश अकाउंट, जिसमें हम लोग सबसे पहले बैलेंस लिख देंगे क्योंकि कैश लेके नहीं गई है कंपनी। तो सबसे पहले मैं 2 ओपनिंग बैलेंस लिख दूंगा 7,000, कहाँ से आपको पता ही है, ये रहा कैश बैलेंस 7,000, क्योंकि कंपनी कैश लेके नहीं गई थी इसलिए कैश अकाउंट में बैलेंस लिख दिया। अब दूसरा काम है, हम लोग कैपिटल कॉपी कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल में, तीनों ऊर्जा, उर्वी और उमा का, 20,000, 10,000, 10,000, तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, उसमें लिख दिया बाय कैपिटल बैलेंस 20,000, 10,000 और 10,000। सिंपल है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड पे लिख देंगे 2 सन्ड्री एसेट्स, और ये सारे एसेट्स कॉपी कर देंगे एक्सेप्ट कैश, कैश को कॉपी नहीं करूंगा क्योंकि कैश का अकाउंट ऑलरेडी बना चुका हूं। तो 1, 2, 3, 4 चीज मैं कॉपी कर दूंगा कहां पे, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे 2 सन्ड्री एसेट्स के नाम पे, और क्रेडिट साइड पे ये दोनों चीज कॉपी कर दूंगा, लेकिन लोन के ऊपर क्या कर दूंगा, स्टार कर दूंगा, क्योंकि लोन लेके नहीं गया है तो उसके अपोजिट एंट्री करनी पड़ेगी। तो अभी आपको दिख रहा होगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ लिख दिया 2 सन्ड्री एसेट्स, और चारों एसेट्स कॉपी कर दिए लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर्स और स्टॉक, बुक वैल्यू पे, और उसका टोटल कर दिया 73,000 आउटर कॉलम में। क्रेडिट साइड पे बाय सन्ड्री लायबिलिटीज लिख दिया और दोनों लायबिलिटीज कॉपी कर दी, एक पे स्टार कर दिया, तो क्रेडिटर्स भी लिख दिया, लोन भी लिख दिया, लेकिन लोन के ऊपर क्या कर दिया, स्टार, ताकि याद रहे कि इसके अपोजिट एंट्री करनी है, और इन दोनों को टोटल करके आउटर कॉलम में लिख दिया। अब 1, 2, 3, 4 और ये 5 लोन को छोड़ दें,
तो चारों एसेट्स और एक लायबिलिटी, उसके बदले सिर्फ एक एंट्री होगी, वो है बाय नई कंपनी का नाम, दैट इज बाय उदय लिमिटेड। तो ये लिख दिया बाय उदय लिमिटेड ब्रैकेट में पीसी 57,000। इस उदय लिमिटेड के अंदर 1, 2, 3, 4 और 5 चीज की क्रॉस एंट्री आ चुकी है, और जैसे ही उदय लिमिटेड का नाम आया, ये है क्रेडिट साइड पे, तो उदय लिमिटेड में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। किसका नाम आएगा, रियलाइजेशन का। तो उदय लिमिटेड के अंदर लिख दिया 2 रियलाइजेशन 57,000, और हमने पीसी बनाया था, हमको पता है 57,000 के दो हिस्से हैं, एक है इक्विटी और एक है कैश। इक्विटी था 30,000 का और कैश है 27,000 का, तो लिख दिया बाय इक्विटी शेयर 30,000 और बाय कैश 27,000, और उदय लिमिटेड टैली हो चुका है। जैसे ही नाम आया कैश का 27,000, ये अभी क्रेडिट साइड है, कैश में कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे। तो ये रहा कैश अकाउंट, यहाँ लिख दिया 2 उदय लिमिटेड 27,000, डेबिट साइड पे आ चुका है, इजी। अब बात करते हैं इक्विटी शेयर्स की, ये इक्विटी शेयर्स कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, तीनों पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, कौन से रेशियो में, क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा बोला हुआ है पार्टनर्स हैव डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ऐसा बोला हुआ है पार्टनर्स ने डिस्ट्रीब्यूट किए शेयर्स कौन से रेशियो में, पीएल रेशियो में। पीएल रेशियो क्या है, 3:2:1, तो जो शेयर्स हैं उसको 3:2:1 में 30,000 को बांट दूंगा। तो ये जो 30,000 रुपीज़ है उसको यहाँ पे बांट दिया शेयर्स को 3:2:1 में, तो यहाँ लिख दिया 2 इक्विटी इन उदय लिमिटेड 15,000, 10,000 और 5,000 3:2:1 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इजी। अब उदय लिमिटेड काम खत्म हो चुका है, अब रियलाइजेशन बंद करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी आपको याद हो तो एक चीज़ के ऊपर आपने स्टार किया था लोन, तो इसकी क्रॉस एंट्री करनी बाकी है, उसके लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। लोन के बारे में कुछ बोला हुआ है, देखिए द कंपनी हैज नॉट एक्सेप्टेड द लोन, कंपनी ने लोन नहीं चुकाया है, मतलब कंपनी लोन लेके नहीं गई है, इसलिए हमने स्टार किया था। हम लोग क्या करेंगे, लोन को चुका देंगे, दैट इज पार्टनर्स लोन को चुका देंगे, कैश में चुकाएंगे। तो ये लोन है उसकी क्रॉस एंट्री यहाँ कर दूंगा, टू कैश ब्रैकेट में लोन, और सेम टू सेम अमाउंट यहाँ पे चुका दिया जाएगा। तो ये लिखा टू कैश ब्रैकेट में लोन 18,000, और जैसे ही नाम आया कैश का वो जाएगा कैश अकाउंट में, ये डेबिट साइड पे है तो कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो देखिए कैश अकाउंट में आपको दिख रहा है बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में लोन 18,000, इजी। अब क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, अगर कुछ रह गया है तो एंट्री करेंगे, अगर नहीं रह गया तो एक के बाद एक सब कुछ बंद करना शुरू कर देंगे। एक चीज रह गई है, वो है डिसोल्यूशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹1,000। डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी किया है ₹1,000 का, अगर डिसोल्यूशन एक्सपेंस करते तो पैसा जाता है, तो एक इफेक्ट आएगी कैश में और ये खर्चा है, इसलिए रियलाइजेशन में लिख दिया मैंने टू कैश ब्रैकेट में डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,000, और जैसे ही नाम आया कैश का, कैश में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो ये रहा कैश अकाउंट, यहाँ लिख दिया बाय रियलाइजेशन डिसोल्यूशन एक्सपेंस 1,000, इजी। अब देखते हैं कुछ रह तो नहीं गया, सब कुछ हो चुका है, तो हम लोग एक के बाद एक चीज़ बंद करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम लोग बंद करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट को, तो रियलाइजेशन अकाउंट को बंद करते हैं। टोटलिंग की यहाँ पे आके 97,000, यहाँ पे भी लिख दिया 97,000, 97,000 में से ये तीनों चीज़ को माइनस किया तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 5,000 रुपीज़ का, उसको लिख दिया टू पार्टनर्स कैपिटल, तीनों पार्टनर के नाम लिख दिया ऊर्जा और वी उमा, और इसको इस 5,000 को बांट दिया 3:2:1 में, तो आ गया 2,500, 1,667 और 833। नाम था पार्टनर्स कैपिटल का, तो पार्टनर्स कैपिटल में कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड पे। तो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ लिख दिया बाय रियलाइजेशन ब्रैकेट में प्रॉफिट, और तीनों प्रॉफिट को ले आए, सिंपल। उदय लिमिटेड ऑलरेडी बंद हो चुका है, अब पार्टनर्स कैपिटल को बंद करते हैं। टोटलिंग की, इन दोनों का टोटल किया तो आया 22,500, यहाँ पे भी लिख दिया 22,500, डिफरेंस आया 22,500 में से मैंने 15,000 को माइनस किया, तो डिफरेंस आया टू कैश 7,500। इन द सेम वे उर्वी को भी बंद किया तो 11,667 टोटल था, यहाँ पे भी लिखा उसमें से 10,000 को माइनस किया तो आ गया 1,667। इन द सेम वे उमा का भी डिफरेंस आ गया 5,833, जो जाएगा कैश में। अब ये जैसे ही नाम आया कैश का, ये जाएगा कैश अकाउंट में क्रेडिट साइड पे, अभी डेबिट साइड पे है तो क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो यहाँ लेके चले गए बाय पार्टनर्स कैपिटल, ऊर्जा, उर्वी और उमा, 7,500, 1,667 और 5,833। टोटलिंग की तो ये आ गया 15,000, इन तीनों को टोटल किया तो टोटल आ गया 34,000, इस साइड का भी टोटल किया तो आ गया 34,000, ये दोनों टोटल मैच हो गए, 34,000 से आपका कैश अकाउंट टैली हो गया है। तो समझ जाने का हमारा सम कंप्लीट हो गया है, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में भी आ गया होगा। अगर आपको लग रहा है मेरे वीडियोस आपको हेल्प कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को जरूर शेयर करिएगा, ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ सके और हम जैसे क्रिएटर्स को भी थोड़ी हेल्प मिल सके। आपका सब्सक्रिप्शन बटन फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा
इम्पॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए।